अभी स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ाते हैं तुम्हें होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब किसी के ऊपर माउस ले गए है ना, मैं आप उसका बिहेवियर चेंज कर दें जिसके ऊपर माउस ले गए। अगर टेक्स्ट लाए, जैसे टेक्स्ट का कलर आपने रेड कलर से लिख रखा, माउस ले गया ग्रीन कलर का हो गया। इमेज के ऊपर माउस ले गए, ठीक है, इमेज बदल गई, इस तरह से अगर आप करना चाह रहे हो उसे बोलते हैं क्या? होवर इफेक्ट। जैसे हमने एक टेक्स्ट लिखा H1, ठीक है, HTML लिखा है, इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। इसको एक आईडी दे दो, कुछ भी आईडी दे दो, है ना। मैंने इसके नाम दे दी, हेडी लिख दिया सपोज। अब इसको CSS देते हैं। CSS देने के मैंने कई तरीके बताए थे आप लोगों को, इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल। हम यहां पर देते हैं इसको कौन सा, सपोज एम्बेडेड देते हैं। कैसे एम्बेडेड देने के लिए क्या लिखेंगे? स्टाइल, स्टाइल टैग का यूज करेंगे, है ना। इसके अंदर इसे स्टाइल देंगे इस H1 को। पहले इसको कुछ इफेक्ट दो H1 को, दिखाई दे रहा पीछे? हाँ, जैसे आपने इसकी आईडी दी है, आईडी दी तो हम क्या यूज करेंगे? हैश। आईडी का नाम क्या है? टैग। इसको कलर दे देते हैं हम, सपोज ये कलर दिया, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर ये देते हैं ब्लैक, ठीक है। इसका इफेक्ट देखो, ये आ गया, ये हमारा ब्लॉक लेवल है, यहां से यहां तक किसने विड्थ ले ली। हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं। कैसे? विड्थ एट्रीब्यूट से, ठीक है। विड्थ मैंने इसकी 200 पिक्सल दे दी, पिक्सल दे दो, समझे। अब जैसे इस पर माउस लेके आऊं, इसका कलर चेंज हो जाए तो, हाँ, HTML और इसका, तो हम क्या करेंगे? आप लिखोगे हेड कोलन एच ओवर, कलर क्या हो जाए इसका? उल्टा कर दूं, लिखा किस कलर से आए? ब्लैक से, है ना। और बैकग्राउंड क्या हो जाए? ये, ठीक है। अब चेक करते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया, देखो जैसे इसके ऊपर माउस लेता हूं, है ना, बड़ा खुश हुआ। अब होवर इफेक्ट देखते हैं इमेज के ऊपर क्या कर रहे हैं हम। देखो हम क्या करते हैं, पहले एक डिवीजन लेते हैं, इस डिवीजन की बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा डिवीजन है, इसको बैकग्राउंड में इमेज लगाने का तरीका क्या है इस डिवीजन की? ये डिवीजन है, जैसे इस डिवीजन की आईडी मैंने रॉकेट दे रखी है, रॉकेट, ठीक है। अब इस डिवीजन की विड्थ हाइट दो, जैसे विड्थ दे दी छोटी वाली इमेज की, हमने विड्थ कितनी दी थी और हाइट 130 पिक्सल, ठीक है। अब इसकी बैकग्राउंड में इमेज लगा लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL सिंगल कोट्स के अंदर img/, कौन सी लगेगी इसमें? 1. ये तो लगेगी ना, जेपीजी। देखो ये आपकी इमेज आ गई। जैसे इसके ऊपर माउस लाऊं, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए इमेज,
तो हम क्या करते हैं, हैश रॉकेट के ऊपर जब भी माउस होवर इफेक्ट डालते हैं, कैसे, विड्थ कितनी हो जाए, 150 डिवीजन की है ना, तब तो फिट बैठेगी, और हाइट 150 पिक्सल, और बैकग्राउंड में इमेज कौन सी लगा दूं, बोलो, हाँ जिसकी विड्थ हमारी क्या है 150 है, कौन सी है वो, पीएनजी, ठीक है, ये लग जाए, अब देखो कैसे करेंगे, ये है ना, इमेज हमारी जैसे माउस ऊपर ले जा रहे हैं, इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने, ये धीरे धीरे चेंज हो, बोलो, ट्रांसफॉर्म कह दिया था वैल्यू 0.3 ऑल दिया था, है ना, चेक करते हैं सर, नहीं कुछ और दिया था यार, कई प्रॉपर्टी थी, क्या थी वो, इसमें आपको ट्रांजिशन लिखना पड़ेगा, है ना, 0.3 सेकेंड ऑल, इससे इफेक्ट क्या होगा, देखो थोड़ा सा ये स्मूथ चलेगा, देखो बिल्कुल आराम से, पहले तो एकदम चेंज हो रहा था, इसमें टाइम जितना कम कर दोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा इफेक्ट आएगा, देखो नाइन कर दो आराम से, ठीक है, ये इफेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर, समझ आया, तो हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं चेंज होने की, इमेज चेंज हो रही है इसमें 130 वाली 150, आप देखते हो किसी आइकन पर थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप इसे बॉर्डर भी दे सकते हो इमेज को, कैसे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे दो, कोई भी कलर दे दो, है ना, ये देखो, समझे, इस तरह से हम अप्लाई करते हैं होवर इफेक्ट इमेज के ऊपर, एंकर टैग, टेक्स्ट, पैराग्राफ, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आईडी 2 से चेंज कर लो, समझ आया, ठीक।